गुड मॉर्निंग गाइस। तो दिन की शुरुआत करते हैं नारियल पानी से। सो ये मैं पैक नारियल पानी लेती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर पैक ही ऐसे मिलते हैं। सो वॉर्म वाटर से तो आपको मॉर्निंग स्टार्ट करना ही है, बट उसके बाद आप नारियल पानी पी सकते हो आफ्टर 1 आवर, हाफ एन आवर, जो भी है। मॉर्निंग का आप जितना हो सके हेल्दी डाइट, हेल्दी ड्रिंक, डिटॉक्स ड्रिंक, ये सारी चीज़ें लो। तो ये मैं मॉर्निंग में ले रही हूँ। पूरा तो मैं 1 लीटर नहीं पीऊँगी, बट हाफ मैं ले रही हूँ। एंड इसके बाद चलते हैं वॉक पर। सो गाइस, चलिए आज का मौसम दिखाती हूँ। आज बहुत तेज़ बारिश है गाइस, तो मैं बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पाई और मैं बाहर तो बिल्कुल ही नहीं कर पाई, तो मैं घर में ही वॉक की। सो बहुत ज़्यादा स्टेप्स तो नहीं हुए, तो मेरे स्टेप्स कुछ 3-3.5 हज़ार के आसपास, ये स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, उतने ही हुए हैं। सो मॉर्निंग नाश्ता मैंने बनाया है उपमा, और बहुत थोड़ा सा मैं ले रही हूँ, आप देख सकते हो। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं ताकि हेल्दी नाश्ता हो, और इसके बाद हम अपने रूटीन पे चलेंगे। सो या गाइज, आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लो, उसके बाद हम मिलते हैं डायरेक्टली लंच या एक्सरसाइज पर। तो फाइनली हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है मॉर्निंग का, और अब मैं लंच वगैरह भी रेडी कर चुकी हूँ। आज का लंच बहुत स्पेशल है गाइज, बिकॉज आज राइस के साथ मैंने बनाई है पालक पनीर। सो उसके साथ और भी कुछ है, तो उसे देखने के लिए आगे पूरी वीडियो देखिएगा गाइज। और वन मोर थिंग स्पेशल, मैं अभी चल रही हूँ वीडियो शूट करने, बिकॉज मैंने कुछ ज्वेलरीज ऑर्डर की थी अमेजोन पे, बहुत अच्छी सेल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अमेजोन की सेल ग्रैब किया जाए। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक कीजिएगा। जितने भी ज्वेलरीज मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने अपने सिस्टर के लिए लिया था, तो सारी ज्वेलरीज मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। लाइक वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं, इनमें से जो भी ज्वेलरीज आपको पसंद आती है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक कीजिएगा। एंड चलिए सबसे पहले तो आप ज्वेलरी देख लीजिए, आपको पसंद आएगी। सो मेरी सबसे पहली ज्वेलरी है ये झुमकी, विच इज़ फ्रॉम जवेरी पर्ल्स, टर्कोइज कलर की ये झुमकी है, एंड इट्स अराउंड 449 रुपीज़, ऑलमोस्ट 450, बट इट्स वेरी गुड क्वालिटी। द सेकेंड वन इज़ दिस गोल्ड प्लेटेड ट्रेडिशनल वाइट एंड मल्टी कलर ज्वेलरी सेट, चोकर सेट, 599 रुपीज़, बट क्वालिटी इज़ गुड। And the third jewelry is again, that's a golden temple necklace jewelry set that is in pearl design, and it's from brand Shining Diva, and that's around 599 rupees, but quality बहुत अच्छी है। So wedding season के लिए अगर आप देख रहे हैं तो best one है, would highly recommend। Link सारे description box में है, do check out। सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बस आप डायमंड्स वगैरह चेक कर लीजिए, रिटर्न की भी ऑप्शन है अगर किसी के डायमंड्स निकल जाते हैं तो, बट ओवरऑल द क्वालिटी इज़ गुड। द नेक्स्ट वन इज़ दिस सिल्वर डायमंड ज्वेलरी फॉर 299 रुपीज़, दिस इज़ पिंक सिल्वर प्लेटेड क्रिस्टल स्टाइलिश नेकलेस ज्वेलरी सेट विथ ईयर रिंग्स, एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर पार्टी, वेडिंग्स और फेस्टिव सीजन। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, फिलहाल पिंक कलर जो है ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट रेस्ट ऑल द कलर्स आर अवेलेबल, ब्लू, देन वाइट, देन गोल्ड। तो इस तरह का सिल्वर चोकर सेट भी आप ले सकते हैं, विच इज़ इन डायमंड, या गुड टू गो फॉर एनी ओकेजन। एंड द लास्ट इज दिस चोकर सेट, अफगानी चोकर सेट, विच इज़ इन ऑक्सीडाइज स्टाइल। सो आई गॉट दिस फॉर 2 कलर, दैट इज़ पिंक एंड ग्रीन कलर के इसके अंदर स्टोन जड़े हुए हैं, एंड दिस ऑल्सो अराउंड 299 और बिटवीन। स्क्रीन पे आपको प्राइजेस सारे मिल जाएंगे ज्वेलरीज के, सो डू चेक आउट गाइस, बहुत अच्छी सेल है अमेजोन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लंच के साथ मैं ले रही हूँ सैलड, और सैलड में मैं कुकुम्बर ले रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो सारी ठंडी चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं खाना, और जो स्किन के लिए अच्छा हो, हेल्थ के लिए अच्छा हो, प्लस साथ ही आपका वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो इसलिए हम अभी ऐसी डाइट शेयर करेंगे आपसे जो कि अकॉर्डिंग टू समर हो और अकॉर्डिंग टू योर हेल्दी डाइट हो और वेट को मेंटेन करेगा। तो फ़िलहाल तो मैं अभी ले रही हूँ सैलड, और साथ ही मैंने ये चटनी बनाई हुई है। ये जो चटनी है ये
छाछ की चटनी है, आप छाछ का मसाला बोल सकते हैं, जो कि होममेड है। आपको बटर मिल्क मसाला पाउडर भी मिल जाएगा मार्केट में अगर आप घर पे नहीं बना रहे हैं तो। बट फॉर हेल्दी डाइट मैं तो रिकमेंड करूँगी आप इस तरह से हेल्दी चटनी बना के रख लें। ये मैं इंडिया में भी करती थी, तो इंडिया में मैं सूखा मसाला बना के रखती थी, बट यहाँ पर जैसे कि धनिया बहुत ज़्यादा महंगी है, तो धनिया, पुदीना और अदरक और मिर्ची, इन चार चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके ये दो डब्बे में भर के और मैं इसे फ्रीज़र में रख दूंगी। फ्रीज़र में आराम से ये 1 वीक तक चलता है। इसमें से आप 1 टीस्पून निकालिए, अपने बटर मिल्क में डालिए एंड यू आर गुड टू गो। सो यस, मैं अभी जो लंच ले रही हूँ उसके साथ ही मैं लूँगी 1 ग्लास बटर मिल्क, थोड़ा सा सैलड एंड ये मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। तो गाइज ये है मेरा आज का लंच। मैं ले रही हूँ थोड़ा सा राइस एंड इसके बाद थोड़ी सी मैंने ली है पालक पनीर रायता। ये है लौकी का रायता, तो बहुत हेल्दी होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल पर है, ज़रूर देखिएगा, बहुत यमी था। ये है मेरा पूरा आफ्टरनून लंच। अगर आप रायता नहीं खाते हैं तो आप छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क, आप दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। और अगर लाइक यहाँ पे तो अभी समर्स है बट इंडिया में ठंड है, तो ठंड में तो दही एंड ऑल नहीं कोई खाता है, तो आप कोई जूस ले सकते हैं। सो इस तरीके का आप अपना लंच रेडी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज एंड बेली फैट एक्सरसाइज ही करेंगे हम। सो लेट्स बिगिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जितना हो सके बेंड हो जाओ, जितना काउंट कर सकते हो करो। 1 एंड ट्राई टू टच योर टोज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टार्टिंग में टोज टच नहीं होंगे बट स्टिल करते जाओ, धीरे 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 आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। 10 हो गया, फिर से स्टार्ट करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगेन बेंडिंग एक्सरसाइज, जितना हो सके हम बेंडिंग एक्सरसाइज ही करेंगे बिकॉज इट विल स्ट्रेच योर टमी और टमी पे इसका इफेक्ट होगा, तो जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट अगेन बेंडिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बेली के साइड फैट के लिए अगेन 20 के काउंट पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
हैंड जितना ऊपर रख सको रखो एंड देन टच योर नी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. एंड ये भी आपको डेली काउंट इसके बढ़ाने हैं एंड ट्राई करो कि आप पूरा बेंड हो जाओ. सॉरी मैं हाफ बेंड होती हूँ बिकॉज अभी तक फ्लेक्सिबल नहीं हुई है बॉडी, तो धीरे धीरे आप भी कोशिश करो, मैं भी ट्राई करती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो आपने देखा पूरी तरह से यहां बेंड नहीं हो रहा है, मतलब धीरे धीरे आपको ट्राई करते रहना और पूरा आपको टुवर्ड्स डाउन बेंड होना है. ओके नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है फॉर 2 मिनट्स.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सो गाइस, आई एम डन विथ माई एक्सरसाइज। आप लोगों ने साथ में किया या नहीं, बहुत इफेक्टिव बेली फैट एक्सरसाइजेस है ये, और जितना ज़्यादा काउंट बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव है। हर एक एक्सरसाइज के बीच में आप कुछ सेकेंड्स का गैप ले लो या 1 मिनट का गैप ले लो, बट जितना ज़्यादा हो सके काउंट बढ़ाओ। और गाइस, एक दिन एक्सरसाइज करोगे, 2 दिन नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको डेली करना है। सो बेस्ट इज आप डेली जो भी खाओ उसका फैट जो भी है उसे आप डेली बर्न करो, तो डेली एक्सरसाइज करो। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। इफ इट ऑल येस, लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अपने प्यारे कमेंट्स जरूर करिए, इट मोटिवेट अस अलॉट। सो येस, अब मिलती हूँ कल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल मीट यू टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।